फ्रेंड मेरे अनदर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको लेके आ गए हैं नोएडा के बेद वन पार्क में, तो यहाँ की सारी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो प्लीज़ गाइस, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको पार्क कैसा लगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ पार्क के अंदर की ओर। उससे पहले जान लेते हैं यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, टिकट टाइमिंग क्या रहेगा, वो सब भी आपको बताऊंगा और पार्किंग एरिया कहाँ पर है। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको पार्किंग एरिया और लोकेशन, टिकट टाइमिंग की भी बात करेंगे। तो चलते हैं गाइस आगे की ओर, और इधर की साइड में आपका पार्किंग है, तो मैं आपको पार्किंग की ओर लेके चलता हूँ। तो ये इसका कुछ पार्किंग एरिया ऐसा दिखता है, यहाँ से आप गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं। ये देखिए सामने गाड़ी खड़ी हुई है, टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए दोनों के लिए पार्किंग हैगी यहाँ पर, तो आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं यहाँ पर। और ये पार्क किस जगह है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये नोएडा सेक्टर 78 पे हैगा, ये नोएडा सेक्टर 78 के अंदर ये पार्क बना हुआ है। अगर जैसे आप मेट्रो से आते हैं तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन इसका 101 का रहेगा एक्वा लाइन, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कैसे आना है गूगल मैप के द्वारा। तो इसका प्रवेश द्वार कुछ ऐसा रहेगा, दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के। ये पार्क हमारी संस्कृति एंड हमारे ऋषि मुनियों के को दर्शाता है। इस पार्क में हमारी प्राचीन संस्कृति एंड ऋषि मुनियों को दर्शाया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। और ये पार्क भी बहुत बड़ा है, तो इसमें सारे हमारे ऋषि मुनि जो तपस्या तप करते थे उसको दर्शाया गया है इस पार्क में। तो देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पर। तो गाइस ये इसका देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है योद्धा कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्होंने अनेक विशाल काल हथियारों का निर्माण किया था, उन्होंने अपने प्रसिद्ध त्रिशूल का भी स्वयं ही निर्माण किया था। तो आप देख सकते हैं, और आगे की ओर ले चलता हूँ यहाँ पर मैं आपको। तो बात कर लेते हैं गाइस यहाँ की लोकेशन की और टिकट टाइमिंग की। यहाँ का टिकट टाइमिंग बिल्कुल फ्री रहेगा और आप किसी भी वक्त आ सकते हैं यहाँ पर। एक शाम को 8 बजे यहाँ पर लेजर शो चलता है, जिसमें हमारे ऋषि मुनियों को दर्शाया गया है, और साउंड भी यहाँ पर सुनाई देता है जो प्राचीन साउंड में उसमें बताया जाता है ऋषि मुनि द्वारा कि तप करते थे, इस तरह से जाप करते थे, तो वो सब भी यहाँ पर बताया गया है। वो शाम को 8 बजे शो चलता है यहाँ पर, लेजर शो। और ये सामने की ओर आपको एक बॉल सी दिख रही होगी, इसमें हमारे गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाता हूँ, इसमें हमारा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है इस बॉल में, चारों ओर पूरे में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। आपको कुछ आपको दिखाई भी दे रहा हुआ है, इसमें चारों ओर हमारा गायत्री मंत्र लिख रखा है, देख सकते हैं इसमें पूरे में गायत्री मंत्र लिख रखा है। Oh।
Thank you.
उत्तर पानी के पास ही यह चार सोने का
चांदी का नाम से कान को सुन या रवत में भक्ति होता है। उस ताम्र को सात कुंभ अथवा सुंद कहा जाता है। आधुनिक नौका चलन और विद्युत वाहन संदेश वाहन आदि के लिए जो अमित भारी तारों की बनी मौसम जोड़ो यह ड्रोन बनती है वैदिक प्राचीन काल में ही बनती थी। बहुत से माताएं बहनें भाई बंधु जो आते हैं यहाँ पर क्या करते हैं खाने पीने का लेके आते हैं जो उसके रैपर वगैरह यहीं फेंक देते हैं। तो कृपया करके यहाँ पर जगह जगह कूड़ेदान बना रखे हैं और कूड़ा उसी में डालें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।